हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से। एक बार आज हम बात करेंगे रिगर इंटरव्यू पार्ट टू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने आप लोगों ने। आज हम बात करेंगे कि रिगर का जो इंटरव्यू है, पार्ट वन ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, अब बात करेंगे पार्ट टू के बारे में, यानी आउटर क्रेन का अगर हाइट करने के लिए कोई भी इंटरव्यू में आपको पूछते हैं तो आपको कैसे बोलना है उसी के बारे में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर कहीं भी है आपको कोई भी पेंटम डिपार्टमेंट, अगर आपको टावर क्रेन रिगर का इंटरव्यू में पूछते हैं कि आउटर क्रेन को हाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बोल दूँ क्रेन दो तरह का आता है, एक आता है आउटर क्रेन, एक होती है इंटरनल क्रेन। तो आपको आउटर क्रेन के बारे में पूछेगा तो आपको ये बोलना कि आउटर क्रेन को हाइट करने के लिए सबसे पहले उनको कॉलर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इससे कहते हैं कॉलर ब्रैकेट, यानी सी फ्रेम, जिसे शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं सी फ्रेम, उसका फुल फॉर्म हो गया कॉलर ब्रैकेट। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा कॉलर ब्रैकेट, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा फ्लोर ब्रैकेट, जो कि आप देख पा रहे हो, इसे कहते हैं फ्लोर ब्रैकेट। तो फ्लोर ब्रैकेट, कॉलर ब्रैकेट जो लग जाएगा, लगने के बाद जो है आपको डालना पड़ेगा आई बीम। तो आई बीम का मेजरमेंट लेने के लिए जो आपका जो कॉलर ब्रैकेट है, कॉलर ब्रैकेट का जो होल है और फ्लोर ब्रैकेट का जो होल है, उस होल से उस होल तक का मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो दोनों का मेजरमेंट में जो आएगा वही होगा आई बीम का मेजरमेंट का मापी। तो कॉलर ब्रैकेट को डालने के लिए उसका चार भाग होते हैं, कॉलर ब्रैकेट का फर्स्ट होती है चार भाग। तो चार भाग में सबसे पहले आपको जो पहला वाला जो फ्रंट वाला जो फ्रंट साइड का जो भाग है उसको आपको डालना होगा, उसके बाद जो है आपको बैक साइड का डालना होगा। तो बैक साइड का डालने के बाद आपको जो साइड का जो दो गार्ड है, वो साइड का दो गार्ड को आपको डालना होगा। तो ये कॉलर ब्रैकेट डाल लेने के बाद आपको उसमें जिम डालना पड़ेगा, चारों साइड में जो है जिम या तो फिर भेज, जो भी बोलो उसका नाम एक ही है। तो आपको वो आपको डाल के पूरा आपको जो कॉलर ब्रैकेट है उसको पूरा टाइट करके फिक्स करना होगा। लेकिन ये फिक्स करने से पहले आपको देख लेना है कि आपका जो कॉलर ब्रैकेट है वो किधर भी अप डाउन है क्या, कोई भी कोना या तो कोई भी साइड में अप डाउन है क्या, वो आपको स्पीड लेवल से आपको चेक करना होगा। तो स्पीड लेवल से आपको चेक करने के बाद आप चारों कोना में आप जिम मार सकते हो, जिम मार दोगे टाइट करके, उसके बाद जो है आपका कॉलर ब्रैकेट किधर भी नहीं हिलेगा, आपको कॉलर ब्रैकेट जो है पूरा फिक्स ही रहेगा। उसके बाद आपका जो आएगा फ्लोर ब्रैकेट, फ्लोर ब्रैकेट लगाने के बाद आपको उसका मापी लेना होगा। तो फ्लोर ब्रैकेट लगाने के लिए आप दो तरह से लगा सकते हो, या तो आप जो है स्लैब में डील करके लगा सकते हो, या तो फिर जो है आप जो है मतलब स्लैब का जो आउटर होती है, आउटर में आप पहले से ही नट बोल्ट डाल के रख के आप उसको लगा सकते हो। उसको लगाने का दो तीन बहुत सारा तरीका है, जैसे आपका मर्जी, आपका कंपनी का वैसे लगा सकते हो। तो नॉर्मली जो है क्रेन जैसे जैकअप होते हैं आपको तो इतना मालूम होगा, उसी तरह से आपको नॉर्मली क्रेन को जैकअप करके फिर आपको हाइट करना है। तो एक बार में जो है 1.5 मीटर जो है जैक बाहर जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो तीन जैकअप में जो है एक मास का जैकअप पूरा होते हैं। तो उसके बाद जैकअप करके आपको एक एक मास अंदर लेना है और फिर पिन मारना है, फिर स्विंग टेबल डाउन करना है, फिर जो है उसमें लूज पिन डालना है, फिर आपको क्या करना है मास लेके आना है, उसके बाद फिर से जो है आपको जैकअप करना है, इसी तरह जो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आप जान चुके होंगे कि आउटर क्रेन को हाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। पूरा कॉलर ब्रैकेट डालने से लेके जैकअप तक मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ कॉमेंट है तो आप मुझे कॉमेंट में कर सकते हो।